हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ फिर से एक और रीडिंग। और आज इस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपके पार्टनर आपको याद करके रोते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, तो किस लिमिट तक होते हैं, ये चीज़ें आज हम देखेंगे। गाइस, जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, यानी कि जो मैं एनर्जीज पिक कर रही हूं, हो सकता है कोई ना कोई एनर्जीज आपकी हो। और ये भी हो सकता है कि ऐसा ही सेम आपके पार्टनर भी सोच रहे हो, ये भी तो चांसेस होते हैं ना। ठीक है, उसके अलग गाइज देखो, ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होती है तो आप कंफ्यूज नहीं हुआ कीजिएगा कि मेरी एनर्जीज नहीं आई है या मेरे पार्टनर की एनर्जीज नहीं आई है तो क्या ये रीडिंग मेरे लिए है या नहीं है। बिल्कुल है। तो चलिए देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या है मेरे व्यूअर्स के पास उनके इस वक्त में करंट एनर्जीज, उनको लेकर गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या करंट एनर्जीज हैं व्यूअर्स के पास उनके इस वक्त में उनको लेकर। फर्स्ट वन इज द ड्रीम रीबर्थ। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी इस वक्त में उनको लेकर। और दो कार्ड्स खुल गए हमारे, ट्रस्ट एक्सहॉशन। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पर्सन की। यहाँ पे आया है सोरो। गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पे आया है फ्रेंडलीनेस। ठीक है, तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, यानी कि सितंबर मंथ किसी ना किसी तरह से आपसे रिलेट कर सकता है। जैसे हो सकता है आपका बर्थ मंथ, आपके पार्टनर का बर्थ मंथ, आप लोगों की एनिवर्सरी, आप लोग मिले थे, आप लोग सितंबर मंथ में बिछड़े थे, कि कोई ट्रस्ट इश्यूज आपके बीच में आ गया था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो चल रही है आप लोगों के बीच में वो सितंबर मंथ से चल रही है, ये चांसेस हैं। 9 सालों का रिश्ता था, 9 महीने से नो कॉन्टेक्ट जोन में हो, 9 महीने से आप लोगों के बीच में बातें हो रही हैं या तो बहुत गलत तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, ये चीजें दिख रही हैं मुझे। ठीक है, अब हमारा सवाल है कि क्या ये रोते हैं आपसे अलग होने के बाद, आपकी यादों में क्या ये रोते हैं या नहीं रोते हैं। तो देखिए गाइज, विद इज द सोरो एंड द रीबर्थ कार्ड, ये दोनों ही कार्ड्स होते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। तो बेसिकली ये दोनों कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि जी हाँ, ये रोते हैं आपके बिना, आपको याद करके ये रोते हैं। और मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इतना ज़्यादा परेशान है ये, इतनी ज़्यादा डिप्रेशन वाली इनकी एनर्जीज दिखाई दे रही है कि सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये अपने आप को अब अकेला महसूस करने लगे हैं। हालांकि इन्होंने आपके साथ पूरा डट के मुकाबला करा, आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हुई, चाहे फिर वो कोल्ड वार ही क्यों ना हुई हो, आप दोनों एक दूसरे से ना बात कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे हो, चाहे वो कोल्ड वार ही क्यों ना हो, लेकिन अब वो ये आपके पर्सन उस कोल्ड वार से लड़ते लड़ते हुए भी थक गए हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। और अब ये इतना ज़्यादा थके हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि अब ये रात को ना अपने आप को अकेला महसूस करने की वजह से सो भी नहीं पा रहे हैं, ये चीजें दिख रही हैं। और जब नहीं सोते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ रोते हैं, ये चीजें हैं। गिल्ट बहुत हो रहा है इन्हें किसी चीज का, शायद आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, चाहे ये खुद से क्रिएट हो गई हो, कुछ आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, या किसी और ने ये गलत फहमियां आप लोगों के बीच में लाई हो, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज और मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा दिखाई दे रहा है, वजह चाहे कोई भी हो। तो इन्हें कहीं ना कहीं ये थक गए हैं यूँ लड़ते लड़ते, यूँ सैड एनर्जी में, और अब इन्हें पछतावा हो रहा है कि इन्होंने तब आप पर विश्वास क्यों नहीं करा, किसी और तीसरे पर्सन पे क्यों विश्वास कर लिया, या इन्होंने तब आपकी बात क्यों नहीं सुनी, इन चीज़ों पे इन्हें पछतावा हो रहा है क्योंकि थक गए हैं, अब चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। अब बेसिकली आपके पार्टनर को ये ख्वाब आ रहे हैं कि ये इन्होंने आपको ऑलरेडी खो दिया है, मतलब आप लोग अब दूर हो गए हो और अब इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में पूरी तरह से एंड हो गया है। काफ़ी लोग शायद सेपरेशन, डाइवोर्स या फिर आप कह सकते हो ब्रेकअप जो है वो फेस कर रहे हो, तो ये जो डिप्रेस्ड हैं, ये जो रो रहे हैं ना, ये इन बातों पे रो रहे हैं कि भाई
चीजें खत्म हो गई हैं। इस कूड़ बार के करते 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 समय निकलता चला गया और चीजें फाइनली खत्म हो गई, और जो एंडिंग हुई है वो बहुत पेनफुल वाली हुई है। ये चीजों के प्रति बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा रो रहे हैं, ये चीजें दिख रही हैं। ठीक है, यानी कि इन्हें ये लग रहा है कि अब ना आप लोगों का जो रिश्ता है उस वो फिनिश्ड हो गया है। अभी तक ये थोड़ी बहुत होप बनाए बैठे थे, इन्हें लग रहा था आप शायद इस कोल्ड वार को खत्म कर लोगे, अपने आप से बढ़ जाओगे, या चीजें ना कुछ अपने आप से सही हो जाएंगी, ऐसा ये फील कर रहे थे। ओवरऑल इनका ईगो ज्यादा चल रहा था उस टाइम पे, और इन्हें ये लग रहा था कि मेरा ईगो जरूर बचा रहेगा और आप इनकी तरफ आ जाओगे, जिससे ईगो भी बच जाएगा और रिश्ता भी बच जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो जाएगा लेकिन ये अभी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, जिस वजह से ये काफी ज्यादा आपको याद करके रो रहे हैं। याद ही आपको बेहद कर रहे हैं, याद करने के साथ साथ ये आपको सपनों में भी बेहद ज्यादा देख रहे हैं, यानी कि आप ना इन्हें सपनों में भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हो। जैसे आपके जो पल थे पास्ट की, जब आप दोनों एक दूसरे के करीब थे, तो वो पल बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं। काफी लोग शायद ट्विन फ्लेम में सोलमेट कनेक्शन में हो, या फिर आप लोगों का जो भी प्यार था ना, एक ट्रू लव था। दोनों एक दूसरे के लिए जितना करते थे, जितना एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते थे, जितना एक दूसरे के लिए डिवोटेड थे, वही दो पर्सन एक दूसरे के अगेंस्ट होते हुए भी मुझे दिखाई दिए। वो चीजें ना अब इनसे डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं, वो चीजें ना अब इनसे देखी नहीं जा रही हैं। शुरू में तो तहश में आके गर्म खून की वजह से ये लड़े, ये चीजें दिख रही हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है इनके साथ, वो चीजें देखी नहीं जा रही हैं। उन चीजों के प्रति ये सोच रहे हैं कि पहले कितना प्यार था, पहले एक दूसरे के लिए मर मिटते थे, आज एक दूसरे को मारने के लिए लगे पड़े हैं। वो चीजें सोचकर ये और ज्यादा रो रहे हैं, ये चीजें दिख रही हैं। तो डेफिनेटली गाइस, इन 6 कार्ड्स के अकॉर्डिंग तो ये रो रहे हैं, यहाँ पर ये चीजें हैं। हो सकता है शो नहीं करते हो, क्योंकि कई बहुत से पर्सन ऐसे होते हैं ना जो दिल में बातें रखते हैं, सामने वाले को बताते नहीं हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं सामने वाले पर्सन को ये बात बता के कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू उसकी नज़रों में गिरा दूंगा या गिरा दूंगी, मैं जो स्ट्रांग हूँ उसकी नज़रों में वो स्ट्रांग जो चीज़ें हैं ना वो गिर जाएंगी। कुछ लोगों की ये सोच होती है, नैरो सोच हो सकती है। इन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि आप भाई फीलिंग्स बताओगे तो सामने वाला पर्सन जो आपसे प्यार करता है तो वो इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देगा, वो आपको सिर्फ और सिर्फ गले से लगाएगा, सीने से लगाएगा और वापस से आपके साथ एक रीयूनियन में आएगा, आपको समझेगा। ये चीजें ना कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, तो उन्हीं कैटेगरीज में आपके पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो रो ये डेफिनेटली रहे हैं, लेकिन हम और इन्हें क्लैरिफाई करेंगे। द ड्रीम को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, और बताइए सपनों में क्या क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ड्रीम को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, और बताइए क्या देख रहे हैं सपनों में अपने, क्या विजुलाइज कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए 1 2 3 4। 8 of cups, 3 of cups, 9 of pentacles एंड 6 of swords। तो देखिए गाइस, यहाँ पे आया है कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या एंड मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला एंड कुंभ राशि। ठीक है, और ये बेसिकली सपने में ये देख रहे हैं कि आप इनसे मूव ऑन कर गए हो, आप इनकी एनर्जीज से निकल गए हो। जो आप इनके लिए फील करते थे, जो आप इन्हें देते थे, यानी कि जो आप ऐसे एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे, एक दूसरे के प्रति जीते थे मरते थे, उस एनर्जी से अब आप निकल गए हो। अब आप ऑलरेडी एक नई दुनिया में एंट्री कर चुके हो, ये ऐसा सपने में देख रहे हैं। यानी कि मैं अगर आपको सही बात बोलूं तो ये इनसिक्योर हो रहे हैं, आपको खोने का अब इन्हें डर बेहद ज़्यादा सता रहा है। वो चीज़ें ना इन्हें खाई जा रही हैं, वो चीज़ें इन्हें सपनों में भी दिखाई दे रही हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। ये रात को सो नहीं पा रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स हो रहे हैं ना, तो यही चीज़ें इन्हें दिख रही है कि आप इनकी एनर्जी से, इनके प्यार से, इनकी फीलिंग से ऑलरेडी निकल चुके हो और अब आप अपने आप में लग गए हो, अपने काम में लग गए हो, अपने ओवरऑल सेल्फ लव में लग गए हो, इंडिपेंडेंसी पे लग गए हो। तो अब आप न्यू एडवेंचर करने के मूड में हो, इनके पास आने के मूड में नहीं हो, ऐसे ये सपने देख रहे हैं। तो इन्हें कहीं ना कहीं वो नेगेटिव सपने देखकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, जो इन्हें सोने नहीं दे रहा है। ठीक है, और इन्हें साथ में ये भी दिखाई दे रहा है सपनों में कि आप ना, आप और मेरे जो व्यूअर्स और आपके जो पर्सन हैं, आप दोनों ना
कहीं दूर चले गए हो, यानी कि ये जो भी शोर शराबा है, ये जो भी आप लोगों के बीच में एक दूसरे से अलग होने का की जो वजह है ना, उस वजह से ही आप दूर चले गए हो। तो कभी तो इन्हें ये सपने आते हैं, नेगेटिव सपने ने ज्यादा आते हैं, पॉजिटिव सपने ने बहुत कम आते हैं। तो अगर ये इसी तरह से मतलब देखते रहे तो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएंगे और ज्यादा डिप्रेशन वाली एनर्जी में पहुंच जाएंगे। ये चीजें दिख रही हैं, ये जरूर देखते हैं कि आप लोग कहीं दूर चले गए हो, आप लोगों ने अपनी एक नई दुनिया बसा ली है और ये चीजें भी ये बहुत ज्यादा सपनों में देख रहे हैं। ठीक है, रिबर्थ को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, किन चीजों के प्रति रिबर्थ चाहते हैं, किन चीजों का ये एंड करना चाहते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए 1 2 3 4 कार्ड खेल गए हमारे। एस ऑफ कप्स, डेविल, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ये दोनों यही आए हैं। यहाँ पे आपकी कैप्रिकॉन एनर्जी है और एस ऑफ कप्स यानी कि कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो ओवरऑल सभी एनर्जीज यहाँ पे गाइस हो गई है। ठीक है, तो बेसिकली देखो गाइस, हमारा सवाल था कि क्या चीजों का ये एंड करना चाहते हैं, ये एंड करना चाहते हैं इन चीजों का। ये वाला जो कार्ड होता है नाइन ऑफ वॉन्ड्स और ये भी नाइन ऑफ वॉन्ड्स का ही आया है, ये बेसिकली चाहते हैं कि अब ये जो कोल्ड वार आप लोगों के बीच में चल रही है ना, वो अब फाइनली खत्म हो जाए। जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जो हर्डल्स आ रहे हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो चीजों का डेथ हो जाए, ये चीजें ये चाह रहे हैं। जो एक दूसरे के प्रति आप लोग डेविल वाली एनर्जी में बने हुए हो, यानी कि कहीं ना कहीं आप दोनों के साथ इश्यूज हो रहे हैं, कंट्रोल करना चाह रहे हो सकता है कम ज्यादा वाला लेवल हो आप लोगों का, आपके पार्टनर आपको ज्यादा कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आप उससे थोड़ा कम चाह रहे हो, ये चीजें हो सकती है रेशियो वाइज। लेकिन इश्यूज यही है कि कंट्रोलिंग वाली हो रहा है आप लोगों के बीच में, क्योंकि मेन कारण है दोनों अपनी ईगो पे कोई बात लेकर बैठे हो। आप कहीं ना कहीं ये चाह रहे हो कि भाई आप मुझ पर विश्वास करो, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करो, तो आप उन चीजों को अपने पर्सन के सामने बताना चाह रहे हो और आपके पर्सन कुछ और ही आपको कन्विंस कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो बेसिकली ये चाहते हैं इन चीजों का क्लोजर हो जाए, रिश्ते का क्लोजर ना होके इन चीजों का क्लोजर हो जाए। जो एक दूसरे के प्रति आप डेविल बने हुए हो ना, राक्षस बने हुए हो, वो चीजें अब एंड हो जाए, ये कोल्ड वार खत्म हो जाए। ब्लॉकेजेस, काफी लोगों को शायद ब्लॉक भी कर रखा है, तो दिल से यही चाह रहे हैं कि ये ब्लॉकेजेस खत्म हो जाए। और रीबर्थ किन चीजों का हो, रीबर्थ हो एस ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ कप्स का, यानी कि न्यू बिगनिंग होनी चाहिए। इस रिश्ते में अगर कमिटमेंट नहीं है तो अब कमिटमेंट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ब्रेकअप हुआ हुआ है तो वापस से आप मिल जाओ, रीयूनियन हो जाए, रिकंसलेशन हो जाए। और अगर आप डाइवोर्स या सेपरेशन का फेस कर रहे हो ना, तो ऑब्वियसली ये चाहते हैं ये मैरिज सक्सेसफुल हो जाए और इस मैरिज में वापस से ये प्यार आ जाए, इन चीजों का रीबर्थ हो जाए, ये चाह रहे हैं ये। क्योंकि अब ना बहुत डिप्रेस्ड हो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, कोई रास्ता इन्हें नजर नहीं आ रहा है, तो सही रास्ते पे जाना चाह रहे हैं, ये चीजें दिख रही हैं। ट्रस्ट को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स और बताइए किन चीजों पे अभी विश्वास कर रहे हैं और किन चीजों पे इन्होंने पास्ट में विश्वास नहीं करा। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए 1 2 3 4 द लवर्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द लेडी एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जेमिनी एनर्जीज हो गई, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, और यहाँ पे आ गया एम्प्रेस यानी कि हमारा टॉरस की एनर्जी। ठीक है, तो देखो गाइस, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर तो चारों कार्ड्स यही आए हैं कि ये आप पर विश्वास करना चाहते हैं। मुझे ऐसा यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इन्होंने जो आप पे पास में विश्वास नहीं करा था ना, जो ट्रस्ट इश्यूज था, तो इन्हें कहीं ना कहीं ये चीजें लग रही थी कि आप इनसे उतना प्यार नहीं करते हो, आप किसी और रिलेशनशिप में हो या आपके लाइफ में कोई और है, ऐसा ये सोच रहे थे, या आप जितना ये आपके लिए करते हैं उतना आप इनके लिए नहीं फील करते हो, ऐसा कोई ट्रस्ट इश्यूज था आप लोगों के बीच में, या आप लोगों के बीच में कोई फैमिली से रिलेटेड इश्यूज थे, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि
इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो फैमिली से रिलेटेड इनके और आपके बीच में ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करे गए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी गई। ऑलरेडी मैरिड हो तो ऑब्वियसली कि भाई रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, फैमिली में मर्ज नहीं हो रहे हो, उन चीज़ों पे इन्होंने विश्वास नहीं करा। आप कर रहे हो लेकिन ये फिर भी आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ें मुझे मेन दिखाई दे रही हैं कि आप इनके प्रति इतना अट्रैक्शन फील नहीं करते हो, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, डजेंट मैटर। या फिर हो सकता है ये किसी और रिलेशनशिप में चले गए हों तो आपको लगा कि भाई ये मेरे से प्यार नहीं करता। तो ओवरऑल काफ़ी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज आप लोगों के बीच में क्रिएट हुए। और अगर ये किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में गए हैं तो डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यूज आपकी तरफ से हुआ और होना भी चाहिए था वहाँ पे, कि भाई आप इनकी पूरी फैमिली होने के बावजूद आप किसी और की तरफ बढ़ रहे हो, तो वो चीज़ बहुत गलत है। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, ठीक है। अभी ये विश्वास कर रहे हैं कि ये जो भी रिश्ता आप लोगों के बीच में खराब हुआ है ना, वो वापस से सही होगा, उसमें वापस से एक पैशन आएगा, वापस से एक स्पार्क आएगा, वापस से ये दो किनारे जाकर मिल जाएंगे। ये चीजों के बारे में ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। और ये बेसिकली यही ट्रस्ट कर रहे हैं भगवान पे, यूनिवर्स पे, एंजल्स पे, आप लोगों के रिश्ते के बीच में, कि आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, और डेफिनेटली आप लोग फिर से इसी रीयूनियन में, रिकंसलेशन में आओगे, वापस से फैमिली से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, वेल्थ वाइज, थ्री जनरेशन वाइज, अगर आप, हो सकता है थ्री जनरेशन आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आप हो और आपके पेरेंट्स, तो ऑब्वियसली कि थ्री जनरेशन में फिर से हम लोग आ जाएंगे और एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन है वो वापस से हो जाएगा। तो ये विश्वास कर रहे हैं कि चीजें ना सही हो जाएंगी, सारी ओवरऑल चीजें सही हो जाएंगी, ऐसा ये ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो अच्छी चीज है। मतलब एटलीस्ट नेगेटिव नहीं हो रहे हैं, अच्छी चीज है, पॉजिटिव होना बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। एग्जॉशन देखो ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुके हैं गाइस, ठीक है, कि आप लोगों के बीच में यहाँ पे नाइन ऑफ वॉन्ड्स आया है कि ये पूरी तरह से थक गए हैं लड़ते लड़ते झगड़ते झगड़ते। हम इन दोनों को एक साथ क्लैरिफाई करते हैं, सौरव और एग्जॉशन को क्लैरिफाई कीजिए, नंबर से बताइए किस वजह से रातों को सो नहीं पा रहे हैं और रो रहे हैं, गाइड कीजिए, नंबर से बताइए। 1, 2, 3 and 4 देखिए गाइस, यहाँ पे आया है 5 of Swords, 5 of Pentacles, द टावर एंड 10 of Wands, यानी कि एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि आ गया हमारा। एरीज एनर्जीज आ गई, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। 5 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, यानी कि मई मंथ, हो सकता है 5 सालों का रिश्ता हो, 5 महीने से सेपरेशन, ब्रेकअप या ये ब्लॉकेजेस, ये सब एनर्जीज आप फेस कर रहे हो, ठीक है। या हो सकता है मई मंथ से ये सब चीजें आप लोगों की लाइफ में हो रही हो, मई मंथ आपकी एनिवर्सरी हो, आप लोग फर्स्ट टाइम मिले थे या मई मंथ में ही आप लोग एक दूसरे से अलग हुए थे, आप लोगों के बीच में ये टावर मूवमेंट आया था, ये चांसेस मुझे दिख रहे हैं। देखो गाइस, ये बात तो बिल्कुल और बिल्कुल पक्की है कि ये रातों को सो नहीं रहे हैं और ये रातों को रो रहे हैं, ये चीजें बिल्कुल सही है और आपको याद करके आपके पर्सन रो रहे हैं और साथ में ही जो इन्होंने आपके साथ करा उन चीजों को याद कर करके रो रहे हैं, ये चीजें पूरी तरह से सही हैं। 5 कार्ड्स इनकी एनर्जीज आप खुद देखिए, 5 of Swords, 5 of Pentacles, सैड एनर्जी, द टावर एंड 10 of Wands। इनके साथ क्या हो रहा है ना कि इन्होंने बेसिकली ना आपके साथ ये करा, आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ तो काफ़ी लोगों के बीच में मुझे दिखाई दे रही है, काफ़ी लोगों के ईगो क्लैश हुए हैं, काफ़ी गलत सलत बोला गया है, इश्यूज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इस वजह से आपके बीच में बहुत लड़ाइयाँ झगड़े हुए हैं। और आपके पार्टनर का क्या है ना कि इन्होंने आपको इतना गलत बोला, इतना नाप शनाप बोला कि उस समय इन्होंने ना सोचते टाइम बोला नहीं, ये बात यहाँ पर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपनी ईगो में खड़े थे, आप जस्ट सुन रहे थे, डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये आपको सिर्फ और सिर्फ बोलने वाली एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं, और जितना इन्होंने बोला, गलत बोला, अपने आप को डिफेंड करने के लिए बोला, ये चीज़ें दिख रही हैं। आपने उस वक्त हालांकि इनकी बातें सुन ली होंगी, कुछ अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश भी करी होगी, लेकिन आप उस वक्त ना धीरे धीरे जो जो ये जैसे जैसे बोल रहे थे, आप इनके लिए प्यार जो आप फील करते हो, रेस्पेक्ट जो आपने इन्हें दी,
मान सम्मान जो आप इनके लिए रखते थे अपने दिल में मन में, वो सब चीजें ना आप खोते जा रहे थे इनके प्रति। ये चीजें दिख रही हैं, ये सोच रहे थे कि ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन आप धीरे धीरे ये चीजें खोते जा रहे थे, ये चीजें दिख रही हैं। तो इन्हें पछतावा हो रहा है, इन्होंने जो रॉन्ग वर्ड्स आपके लिए यूज करे हैं, जो गलत बातें आपको बोली हैं उन चीजों के प्रति, इस वजह से ये रो रहे हैं कि मैंने क्यों बोला, मुझे उस वक्त ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए थी। टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अगेन यही बात बताता है कि उन्हीं चीजों का बर्डन ले रहे हैं, उन्हीं चीजों को स्ट्रेस में ले रहे हैं, उन्हीं चीजों को स्ट्रगल ले रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, मुंह से बोली हुई बातें को वापस से लेकर नहीं आ सकते, तो इसी चीज का इन्हें बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है। इन्हें कहीं ना कहीं अब ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अब इन्हें ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा खाई जा रही हैं कि जो भी है ना, मैं अकेला रह गया हूँ या अकेली रह गई हूँ, मैं अब पीछे जाऊँगा या जाऊँगी भी ना तो बहुत चीज़ें लेट हो गई हैं। क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको पूरी तरह से ये सब कह के, ये सब आपकी लाइफ में ला कर ना झंझोड़ दिया, आपकी अंतर आत्मा को झंझोड़ दिया। आप कहीं ना कहीं इनके साथ एक रिश्ते में थे जिसमें आप बिना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के भी इनके साथ लगे हुए थे, लेकिन आप इन्होंने कहीं ना कहीं आपको इतना ज़्यादा झंझोड़ दिया, आपको इतना ज़्यादा हिला दिया कि आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट पे बात आ गई। ये चीजें दिख रही हैं, तो इन्हें इसी बात का बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा रो रहे हैं। इन्हें ये चीजें को फील हो रहा है कि इन्होंने जिन्हें आप सबसे ज्यादा अपना प्यारा, जिन पे आप सबसे ज्यादा विश्वास करते थे, जिन्हें आप ये समझते थे कि आप इनके साथ रहकर अपने आप को पूरी तरह से सेफ महसूस करते थे, उसी ने आपकी लाइफ में ये बिजलियां गिराई हैं। इन्हीं चीजों का इन्हें बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है और इसी वजह से ये रो रहे हैं। बहुत अच्छी चीज है कि इन्हें पछतावा हो रहा है। फ्रेंडलीनेस को क्लैरिफाई कीजिए, यूनिवर्सल बताइए फ्रेंडलीनेस अब क्या चाहते हैं इस टू ऑफ कप्स से, अब क्या चाहते हैं इस टू ऑफ कप्स से। गाइड कीजिए, यूनिवर्सल बताइए अब क्या चाहते हैं इस टू ऑफ कप्स से। 1 2 3 4 किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ। देखो गाइस, आपके पार्टनर ना क्या चाहते हैं, हमारा सवाल था कि इस रिश्ते से क्या चाहते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स तो इन्होंने ऑलरेडी कर दिया, वो जो रीबर्थ का कार्ड था ना वो यही था। ये चाहते हैं कि जो इन्होंने आप लोगों के बीच के रिश्ते को क्लोजर दे दिया था ना, जो ब्रेकअप, डाइवोर्स, सेपरेशन, जो चीजें आपके सामने ला दी थी ना इन्होंने, जो क्लोजर दे दिया था, गिव अप कर दिया था इन्होंने, वो चीजों को अब ये डेथ करना चाहते हैं। ये चीजें दिख रही हैं, यानी कि ये चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम्स आई है ना, कि मैं उसे खुद से फेस करूंगा या करूंगी, मैं खुद से लीड लूंगा या लूंगी, और मेरे को चाहे उसके लिए कितनी भी स्ट्रेंथ क्यों ना जुटानी पड़े, क्यों कोई कितनी भी हिम्मत क्यों ना जुटानी पड़े, लेकिन अब मैं रिस्क लेकर चीज़ों को सॉल्व करूंगा या करूंगी। जो भी चीज़ों में ये नेगेटिविटी आई है, जो भी टावर मोमेंट आया है ना, उसे मैं पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करूंगा या करूंगी। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही, यानी कि ओवरऑल रीयूनियन करना चाहते हैं, जो चीज़ों को खुद से क्रिएट करा उन चीज़ों का डेथ करके रिबर्थ करना चाहते हैं। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता गाइस। चलिए डेस्टिनी में क्या लिखा है आपके लिए ये और देख लेते हैं, ठीक है। गाइड कीजिए, मैं सब बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए, डेस्टिनी में आखिर लिखा क्या है, आपने क्या लिखा है इनकी डेस्टिनी में, क्या इन पर्सन के साथ इनका लिखा है या नहीं लिखा है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। देखो गाइज, ये बात तो तय है कि आपके पार्टनर ने जो आपको बोला ना, वो आपके दिल में अभी भी बातें घर करी हुई हैं। चाहे कुछ लोगों के केस में इन्होंने बिना बोले आपकी लाइफ से चले गए हों, चाहे कुछ बोल के गए हों, ओवरऑल आपके दिमाग में इनके प्रति नेगेटिविटी है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, समय तो ये आ गया है इस नेगेटिविटी को दिल और दिमाग से निकालने का, ठीक है। Be bold and make the first move। आपसे बोला जा रहा है कि थोड़ा आपको bold होना है, कहीं अगर आपको step लेना पड़े, move लेना पड़े, तो आपको कहीं ना कहीं हिम्मत जुटाकर वो वहाँ पे step लेना पड़ सकता है, और लेने के लिए आपको हिम्मत जुटानी पड़ सकती है। तो आपको देखो गाइस, यहाँ पे बोल्ड होना पड़ेगा। यू सैड एनर्जी में, यू नेगेटिविटी में नहीं रहने के लिए बोला जा रहा है। चीज़ों को ना बहुत दिमाग से सॉल्व आउट करने के लिए बोला जा रहा है बेसिकली, ठीक है।
अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून. आपसे बोला जा रहा है, आप लोगों का अभी ये जो भी तांडव चल रहा है ना, जो भी सिचुएशन चल रही है, फाइनली इसका डेथ तो होना है. डेथ का कार्ड आया, टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, काफी सारे ऐसे कार्ड आए हैं जो बता रहे हैं चीजों का डेथ हो रहा है. मतलब एक एज पे पहुंच रही हैं चीजें और फाइनली आपकी एक न्यू स्टार्टिंग हो रही है, ऐसा बोला जा रहा है आपसे. ठीक है, एंजल्स क्या कहना चाहती हैं आपसे, गाइड टीचर निवास से बताइए एंजल्स क्या कहना चाहते हो आप मेरे व्यूअर्स से. और यहाँ पे हमारे दो कार्ड्स गिरे. यहाँ पे आया है गाइस, देखो, पीसफुल रिजोल्यूशंस एंड लिसन टू योर इंट्यूशंस. आपसे बोला जा रहा है कि देखो, अगर आप लोगों का जो भी रिश्ते में ये जो केस आया हुआ है, ट्रस्ट इशू जो भी मतलब आया है प्रॉब्लम, उसमें अगर आप लोगों का पीसफुल रिजोल्यूशंस होता है तो आप ये चीजों के लिए बढ़ो, ऐसा आपसे बोला जा रहा है. और कहीं ना कहीं इस चीज के लिए ना आपके इंट्यूशंस भी बोलेगी कि हाँ, चीजें ना सही हो जाएंगी. यानी कि ओवरऑल अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो बेसिकली आपके इंट्यूशंस आपको बताएगी कि इस रिश्ते में आगे क्या होना है. लेकिन अगर आप नेगेटिव रहते हो तो वो आपके इंट्यूशंस सिर्फ आपको नेगेटिव ही गाइड करेगी, ऐसा बोला जा रहा है. यानी कि नेगेटिविटी ही मैनिफेस्ट कर देगी, ये चीजें बोली जा रही है आपसे. एक कार्ड और देखते हैं, ठीक है, रिकंसिडर. आपको ना यहाँ पे बेसिकली गाइस रिकंसिडर करने के लिए बोला जा रहा है चीजों को. यानी कि बोल्ड होने के लिए जो बोला जा रहा है ना, वो इसीलिए बोला जा रहा है कि बोल्ड होकर चीजों को रिकंसिडर करो. रोमांस एंजल से देख लेते हैं, दो कार्ड देखेंगे बस. गाइड टीचर, गेट टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स. तो देखो गाइस, बताए इसका क्या मतलब है. इसका बेसिकली ये मतलब है, जो आप दोनों एक दूसरे की ईगो क्लैश हो रहे हैं, जो दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करना चाह रहे हो ना, उसमें बोला जा रहा है कि आपको इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को जानना होगा, कि आप एक दूसरे को यू कंट्रोल करके नहीं रख सकते हो. ठीक है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है. प्यार का मतलब ये नहीं है कि दूसरे पर्सन को कंट्रोल करके रखा जाए. तो आपको एक दूसरे को जानना होगा कि भाई मेरा पर्सन कैसा है, कैसा नहीं है. ये चीजें हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ऑब्वियसली उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये चीजें. एक कार्ड और देख लेते हैं, डाइट के चिन्ह से बताइए. बहुत सारे कार्ड्स आ गए, दो कार्ड्स आ गए भैया, ले लेते हैं. यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल. आपसे बोला जा रहा है कि आप ना डिजर्व करते हो प्यार, और आप क्योंकि डिजर्व करते हो प्यार, इसीलिए आपकी लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में लिखा है रिकंसिलेशन. समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ. तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगे तो जरूर गाइस, लेकिन आपको इस एनर्जी से निकलना होगा कि आप दूसरे को कंट्रोल ना करो. क्योंकि क्या होता है, कंट्रोल करने के चक्कर में फाइनली हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता. जो प्यार होता है, जो फीलिंग्स होती है ना, वो भी कहीं ना कहीं खो जाता है, ट्रस्ट खो जाता है, विश्वास खो जाता है. तो रिकंसिलेशन तो तभी होगा जब एक दूसरे को जानोगे, पहचानोगे, कंट्रोल नहीं करोगे. ये चीजें हैं. तो गाइस, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, आप रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हो. अगर रीडिंग पसंद आती है, आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाते हैं, तो प्लीज बताइएगा जरूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी अच्छी रीडिंग्स और अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे. आज के लिए बस इतना ही. ओके, टाटा, बाय बाय.